On the phone, please. Miss Rosie Fernandez, please, you are wanted in the general ward to see Dr. Chandra. Miss Rosie Fernandez, please. Miss Rosie Fernandez, please, you are wanted in the general ward to see Dr. Chandra. Miss Rosie Fernandez, please. Sister Sheila, you are wanted in ward number 6 by Dr. Shah. ऑपरेशन में देर हो गई और तुम्हें जाना था। कोई बात नहीं डॉक्टर, ऑपरेशन कामयाब हुआ ये खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, यू आर अ रियल नर्स। थैंक यू। Excuse me, London flight number 106 has arrived? Yes, madam, it has arrived. Passengers under custom. Thank you. Anju! Kevin! Arre, ye kya kar rahe ho? Ye London ya Paris nahi, balki aapka Hindustan hai. Aji, London ho, Paris ho ya Hindustan, hain to aap hamare dil ki malika-e-alam. Buttu. बेसब्री कमाल, क्या क्या खूबसूरत टाइटल्स चुन के रखती हैं आप मेरे लिए। खैर, हमें बुद्धू कहिए या बेसब्रा, लेकिन डार्लिंग कहाँ तररी ररी ररी तररी ररी ररी। बेरूत एयरपोर्ट पे इसे देखते ही दिल मचल उठा और दिमाग ने फौरन गवाही देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ मेरी अंजू के शानों पे ही निखरेगा। ए, I was right. How soft and nice. क्या ये तो हुजूर आप ही बताइए, जरा नजदीक से देखने दो। और थोड़ा सा अब बताओ भीना, तुम आज छुड़ाना चाहती हो? सोच लो। मैं तो चाहती हूं तुम सदा यूं ही पकड़े रहो। ये बात तो हुजूर, हम भी एक ऐसा ताला लाए हैं जिसके लगाते ही आप उम्र भर के लिए कैद हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। लो। अब जल्दी से हमारी तरफ हाथ बढ़ाइए ताकि मुजरिम को सजा दी जाए। ये नहीं, वो। इतना ही नहीं, 25 तारीख को गठबंधन भी होगा। हाँ जी, इसी महीने की।
डब्बा होठों से तू नजरें हटा हाथ मेरा यू ना दबा आगे कदम अब ना बढ़ा आगे कदम अब ना बढ़ा नो 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 ऐसा न करो Anjali, you know, patient from ward number 10 has come back. You mean Dabbu? Yes, he has had a relapse. Oh my God. Doctor. Well, let us hope for the best. Beti, kya kaha doctor ne? आप घबराइए नहीं माँ जी भगवान सब ठीक करेंगे हे भगवान तू अंतर्यामी है सारे संसार का रक्षक है रोगियों के रोग और दुखियों के दुख दूर करता है तेरे द्वार से कोई भी निराश नहीं जाता आज मैं भी तुझसे कुछ मांगने आई हूँ इस नन्ही सी जान की रक्षा कर दबू को अच्छा कर दे भगवान उसकी मां की ममता की लाज रख ले हेलो आई लव यू गुड मॉर्निंग अंजु गुड मॉर्निंग लेकिन हुजूर ये कैसे जान लिया कि मैं ही बोल रही हूँ इतनी मीठी आवाज तुम्हारे सिवा और किसकी हो सकती है मालूम होता है अभी सो के उठी हो हुजूर कब जागे नींद किसको आई क्यों इतनी सुहानी रात थी इतना उमंग भरा दिल फिर भी क्या नींद नहीं आई रात को जो नींद आती तो ख्वाब आते जो ख्वाब आते तो तुम आती तुम्हारी याद में लेकिन न नींद आई न ख्वाब आए न तुम आई ये तो बहुत ही बुरा हुआ लेकिन इसका इलाज हो सकता है इसलिए तो सुबह सुबह फोन किया महका हुआ दिन चहकी हुई दुनिया और बहके हुए हम हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो आज छुट्टी हुजूर ये बात तो हमें बहुत पसंद आई लेकिन अपनी पसंद से ज्यादा मुझे अपनी ड्यूटी का ख्याल है जो ठीक 4 बजे खत्म होती है ओ, ओ, ये 4 तो कहीं 4 बजे जाकर बजेंगे तब तक हमारा क्या होगा ठीक है लेकिन याद रखना ठीक 4 बजे मैं तुम्हें पिकअप करूंगा हाँ ओके बस बस अब ये रोमांच बंद कर देना ड्यूटी पे जाना है चलो हाय हाय बहुत इंतजार करवाती हो पसंद से अरे कुछ तो ख्याल किया करो अपने बीमारों का बेबी मेरा नाम बेबी नहीं अंजलि है और यहाँ लोग मुझे सिस्टर कहते हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब लोग पसंद से जो इतना भी नहीं जानते कि इंग्लिश के इस लफ्ज का मतलब इतना आजू है मिस्टर शंकर मुझे इस किस्म की बातें जरा भी पसंद नहीं और मैं ये आपसे पहले भी कह चुकी कहना तुम्हारा काम है और सुनकर याद रखना हमारा लेकिन याददाश्त कुछ इतनी कमजोर हो गई है कसम से कि सिवाय भूलने के कुछ याद ही नहीं रहता दवाई पी लीजिए और चुपचाप लेट जाइए अगर दवाई का नाम इस बात से माइनस कर दिया जाए तो तुम्हारा यही जुमला किस कदर खूबसूरत है कसम से अरे वैसे पीने को तो और भी बहुत सारी चीजें हैं मगर कभी पिलाओ भी तो अपने हाथों से मुझे आपकी रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी
रिपोर्ट? रिपोर्ट से क्या होगा, एक दिन के 40 रुपए देता हूँ इस कमरे के कसम से, और फिर हर रोज 10 रुपए के फूल भी तो मंगवाता हूँ। जानती हो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मालूम नहीं है आपने मुझे क्या समझ रखा है। वही जो किसी और ने शायद नहीं समझा अब तक। कभी आईने में शक्ल देखी है आपने? ये रखिए आपकी दवाई। बिहेव तो कर रहा हूँ, वरना 10 दिन यहाँ बगैर बीमारी के कौन पड़ा रहता। बदतमीजी तो मेरे सीधे पन और शराफत में थी। यही तो बदतमीज है जिससे शंकर वर्मन 40 को हासिल कर लेता है। मुझे गले से लग जाओ, अगर दस से लगी हुई और दो चाय कसम से। मिस्टर शंकर, यू मे गो सिस्टर, आई विल हैंडल दिस केस। मिस्टर शंकर, यह हॉस्पिटल है, यहाँ ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझा जाता। यहाँ पर काम करने वाले सभी इंसानियत के पुजारी होते हैं और दिन रात सेवा करके लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। That's right. ऐसी महान जगह पर आप जैसे घिरे हुए इंसानों की इन जलील हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस के हवाले करना पड़ेगा या धक्के मार के आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड, सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। सेहत के लिए बुरा होता है किसकी, तुम्हारी या मेरी? मैं देखता हूँ। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अरे मेरी आंटी को बुलाओ। आंटी आती ही होगी, तो पहले दवा तो पी ले। नहीं, मैं किसी और के हाथ से नहीं पीऊंगा, मेरी पहले आंटी को बुलाओ। देख, अच्छे बच्चे दिल नहीं करते, अगर तूने दवाई नहीं पी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। नहीं नहीं माँ, मैं जल्द से नहीं लगाऊंगा। बेकार की जिद्दी है बैठा है, किसी और के हाथ से दवाई नहीं देगा। बात है, आप चिंता मत करना जी, बच्चा है ना, दिमाग में तो सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए, अब इसकी क्या जरूरत थी। बहुत अच्छी आंटी। इधर लाओ, मैं पिलाती हूँ। ये लो, इसके बाद थोड़ी सी चीनी ले, और आपको जो लोरी पसंद है मैं फिर गाकर सुनाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची। सिस्टर,
अजी, जिसे जिंदगी भर के लिए पकड़ लिया है उसे इस छोटी सी भागदौड़ में पकड़ कर क्या करेंगे? हाँ, छोटी सी भागदौड़, बहाने मत बनाओ। अच्छा, ये बात है। तो अब देखो जेट का टेक ऑफ। 1, 2, 1। What a crash! अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। Thanks to the sister concerned. क्या मतलब? Miss Bijli. ना वो गरजती, ना चमकती, ना हमसे इस तरह लिपटती। केवल एक बात पूछूं? नहीं। एक नहीं, दो। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है? कर सकता है मतलब? अरे बाबा, करता रहा है। हाँ, उसका प्यार बहुत ही सच्चा और बेकस है। मुझे जरा सा भी उदास देखकर वो उदासी के समंदर में डूब जाती। मैं कभी खाना ना खाता तो वो दिनों तक भूखी रहती। तो फिर वहीं चले जाओ ना। हाँ, लगता है अब तो वहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें जब जाना हो चले जाना, फिलहाल मुझे मेरे हॉस्टल पे पहुंचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? जी, इसमें हंसने की ही तो बात है। किसी ने सच कहा, औरतों की अकल चोटी के नीचे होती है और मर्दों की अकल तो दूसरों के साथ खेलने और बेवफाई को अपनी जागीर समझने में होती है। बस चिढ़ गई ना इतने में? अरे ये तो पूछा होता, वो है कौन? मुझे क्या जरूरत पड़ी है, होगी कोई? अरे पगली, वो तो मेरी माँ है। माँ? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे चिढ़ाने में मजा आता है क्या? क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। लेकिन अंजलि, जब तुम मेरी माँ से मिलोगी ना तो तुम्हें भी बहुत प्यार हो जाएगा उनसे। केवल, मुझे देखकर तुम्हारे घर वाले नाराज तो नहीं होंगे? क्यों 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 क्यों, नाराज क्यों होंगे? अरे जिस लड़के को उन्होंने नालायक, निकम्मा और बेकार समझा था, आज वो एयर इंडिया का पायलट बनकर तुम्हारी जैसी खूबसूरत दुल्हन को लेकर जब घर वापस लौटेगा तो वो लोग नाराज नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। ओह गॉड, क्या हुआ? ठीक 11:30 बजे हैं। नमस्ते जी, भारती के विज्ञापन कार्यक्रम की आज की मतलब ये कि 11:30 बज गए हैं और मेरे हॉस्टल का दरवाजा 10:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आजकल तो हर चक्कर बड़ी आसानी से चल जाता। लाले के हाथ में 10 का नोट थमा देना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अभी तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन सुबह बमे सामान के हमेशा के लिए दरवाजा बंद। ये बात है सोचने की। आइडिया, देखो अब तो तुम रस्मी तौर से मेरी मंगेतर हो चुकी हो, यानी आधी बीवी बन चुकी हो, है ना? ठीक है, आज की रात मेरी होटल में ठहर जाना। तुम्हारे होटल में? आज इसमें इतना चौंक क्यों रही हो? अलग कमरा बुक करेंगे, ठीक है? बोलो ना। ओके। हाँ।
कितनी देर लगती है? आज बोलो तो आज, कल बोलो तो कल। प्लीज कम टू मी अमी। नो नो। अब और कितनी शादियां रचाओगे मेरे दोस्त? चार केस तो पहले ही तुम्हारी जान को रो रहे हैं। तुम्हें इनसे क्या मतलब? तुम यहां कैसे आन पहुंचे? इत्तेफाक की बात है, जा तो रहा था होटल, लेकिन सोचा तुम्हें मिलता जाऊं। मुझे क्या मालूम था कि शादी के चक्कर में तुम फिर गांगुली से पांचोली और उस्मानी से मिस्टर जॉनी बनने की कोशिश में हो, और वो भी इस बेचारी के साथ जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट वरी किरे, रिलैक्स। केवल ये मेरा जाती मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। चले जाओ यहाँ से। बहुत बेहतर है। कौन करे? आई ड्रॉप यू होम। किटी यहाँ से नहीं जाएगी, तुम चले जाओ यहाँ से। ये पहल भी तुमने की शंकर? कभी तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो शंकर। कुछ नहीं रखा तुम्हारी इन बुरी आदतों में। मुश्किल तो यह है कि दोस्ती पुरानी है, वरना मैं बस कुछ थी। आप लोग रूम में चलिए, मैं बुकिंग चार्ट कंसल्ट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे सुबह 4 बजे जगा दीजिए। ओके सर। खूबसूरत पेंटिंग का राज सिर्फ लाइट एंड शेड है, इसलिए मैं खूबसूरत मूर्त को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खूबसूरत और इस लिबास में? तुम भी कैसी बात करते हो केवल। अजी हुजूर, आजकल तो हर चीज में से एक नया फैशन इजाद होता है। ये देखिए। सच माने अगर कुछ लड़कियों ने आपको इस रूप में देख लिया तो कल से सैकड़ों इसी लिबास में घूमती नजर आएंगी। सैकड़ों लड़कियों की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि मैं आपको इस लिबास में कैसी लगी। मुझे? तुम मुझे ऐसी लगी। ऐसी लगी। कैसी? ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन। तो मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन भीगती रात में। जल उठा जल उठा तन बदन। हे हे। तो मुझे ऐसी
लगी जैसे कोई मीठी अगन। सहमी सी है ये रोशनी, झिलमिल सा है गोरा ये तन। सहमी सी है ये रोशनी, झिलमिल सा है गोरा ये तन। तन पे तेरे संभले नहीं ढलका हुआ ये पैरहन। तू मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन। भीगती रात में जल उठा तन बदन। होय 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 हो तुम मुझे। आंखों में है रंगे हया, होठों पे है हस्ती किरण। आंखों में है ओए रंगे हया, होठों पे है हस्ती किरण। गालों पे है दहकी हुई प्यास मेरे दिल की तपन। तू मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन। भीगती रात में जल उठा तन बदन। है हे तू मुझे। शर्मा के तू ऐसे न जा, कतरा के तू ऐसे न जा। शर्मा के तू ऐसे न जा, कतरा के तू ऐसे न जा। जैसे उड़े बरसे बिना उमड़ी कोई काली घटा। तू मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन। भीगती रात में जल उठा तन बदन। तू मुझे ऐसी लगी जैसे कोई मीठी अगन। तू मुझे ए तू मुझे ओ ओ तू मुझे। से कपड़े पहन लो, एयरपोर्ट जाते जाते तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। और सुनो, 25 तारीख की तैयारी में कुछ भूलना नहीं।
हेलो मिस्टर कपूर, तेरी तो हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आप आ गए? हाँ जी हम आ गए। मेरा ब्रीफकेस? दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तुम अभी ब्रीफकेस में घुसे हो। ब्रीफकेस से जरा बाहर निकलो। अरे ये सब पुरानी अदाएं हैं। खैर छोड़ इन फजूल की बातों को। है चश्मे बद्दूर, क्या कोट है, पर्सनलिटी है, हाँ? बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन चश्मा जरा फीका पड़ रहा है। ये कोई बात हुई ना, अब जेम्स बॉन्ड लगता है। लंदन पहुंचते ये चश्मा सेठ टेकचंद को दे देना, समझे? कसम से। ओके थैंक यू, गुड लक, बाय बाय। बाय बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? बेवक्ती बरसात की तरह टपक पड़ते हो। हुजूर आपसे बोर होकर लंदन जा रहा हूँ। अब पूछिए क्यों? इसलिए कि आप हमारी यहाँ दाल गलने नहीं दे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्लाइट मैं ले जा रहा हूँ तो? तब तो मर गया कसम से। जीने का भी रास्ता है कसम से। यार तू ये सब धंधे छोड़ क्यों नहीं देता है? कुछ नहीं रखा इन लड़कियों के चक्कर में। लड़कियों के चक्कर? बिल्कुल छोड़ दिया। लंदन पहुंचते ही ब्रह्मचारी का संन्यास ले रहा हूँ। अच्छा फिर तो दोस्ती खूब होती। मुझे ब्रह्मचारी का लेक्चर, साले ने खुद क्या लड़की फंसाई है। कसम से क्या? बहुत अच्छे। अच्छा मैं रोज ऐसे कपड़े पहनूंगी। चलो दादी माँ के पास चलो। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, ऐसे कपड़ों में तो आज मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। मालूम होता है आसमान की दुल्हन धरती पर उतर आई, कहीं नजर न लग जाए। ड्यूटी नहीं है क्या आज? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ जी। नौकरी छोड़ दी, लेकिन अचानक क्यों? मैं तो पहले ही छोड़ देने वाली थी, लेकिन डब्बू के आ जाने से सोचा कुछ दिन रुक जाऊं ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। क्या कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई? नहीं माँ जी, इस 25 तारीख को मेरी शादी है। सच? इतनी खुशी की बात और तुमने आज तक नहीं बताई? बताने का मौका ही कहाँ मिला माँ जी। डब्बू जरा अच्छा हो जाए बस यही सोचकर चुप रही। कितनी अच्छी हो तुम, भगवान दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर दे। इसी आशीर्वाद की तो जरूरत है माँ जी, बिन माँ बाप की बेटी हूँ ना, इसीलिए ममता की भूखी हूँ। कोई भी तो नहीं इस दुनिया में मेरा। मैं जो हूँ तुम्हारी माँ समान, तुम्हारी जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। तो फिर रुक जाइए ना माँ जी, मैं भी समझूंगी, मैं अनाथ नहीं हूँ। छी छी ऐसी बातें नहीं करती पगली, इस खुशी में शामिल होना तो मेरा धर्म है। मैंने होटल में कमरा लिया ही है, तुम्हारी शादी तक जरूर ठहरेंगे, मगर तुम्हें रोज आना पड़ेगा। रोज आएगी आंटी, रोज आएगी। सिर्फ आएगी ही नहीं बल्कि तुम्हें सारा शहर घुमाएगी।
गए तुम लोग? कितनी देर कर दी? ओ ये सब क्या है? बैलून है, हवाई जहाज है, मोटर है, एरोप्लेन है, रंगीन है। दादी वहाँ हमने खूब मजा किया, घोड़े की सैर की, छुक छुक वाली गाड़ी में बैठे। बस बस, मैंने तुझे कहा था ना आंटी को परेशान न करना, इतने ढेर सारे खिलौने क्यों लिए? अब तूने भी इतने पैसे क्यों खर्च किए? आप ऐसा क्यों कहती है माँ जी? क्या डब्बू पर मेरा कोई हक नहीं? क्यों नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। तुम्हारी ही देखभाल और प्यार की वजह से इसे दूसरा जन्म मिला है। अच्छा जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खा लो, बहुत देर हो गई। हम लोग ने बहुत कुछ खाया है माँ जी, अब बिल्कुल भूख नहीं। मैं आपके खाने का ऑर्डर की देती हूँ। आज सोमवार है बेटी, मेरा उपवास है। अच्छा डब्बू चलो जल्दी से कपड़े बदलना और सो जाओ। गुड नाइट दादी माँ। जीते रहो बेटे। पूछने में माँ को इतनी चिंता क्यों? बात यह है बेटी, आखिर माँ का दिल है ना, बच्चे कितने भी समझदार हो माँ अपनी तरफ जरूर चाहती है। मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ जिसे तुमने अपना जीवन साथी चुना है। एक बार देख लूं तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
जरूर माँ जी, क्यों नहीं, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी, वो बहुत ही अच्छे हैं। सो तो ठीक है, लेकिन ये पायलट दिन रात हवा में उड़ते हैं, देश विदेश घूमते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, सुना है उनके दिल और दिमाग भी इसी तरह उड़ते रहते हैं। नहीं माँ जी, वो ऐसे नहीं है, उनमें और दूसरों में बहुत फर्क है, जिन्हें देखते ही आपको यकीन हो जाएगा वो बहुत अच्छे हैं, और परसों तो आ ही रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कैप्टन केवल नहीं आए? कैप्टन केवल? हाँ वो तो नहीं आए, हाँ उनकी तस्वीर है इसमें। कोई और ड्यूटी दे दी हो जिसकी वजह से वो फोन नहीं सका, दिल छोटा नहीं करते, वो वक्त पे जरूर आ जाएगा। नहीं माँ जी, नहीं, अब वो नहीं आएंगे। ये तू क्या कह रही है, ईश्वर न करे सब ठीक तो है ना? है तो सब ठीक, पर मैं हार गई माँ जी, मैंने सब कुछ खो दिया है। कुछ बता तो क्या हुआ? अब वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गए। क्या कह रही हो? मां जी चुप हो जा बेटी, मैं तेरे दर्द को खूब समझती हूँ, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है माँ जी, जो मुझे आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय दुखों के, अब खुशी की झलक देके वो भी छीन ली। बेटी मर्दों ने सदा से औरतों के भूली भाली दिल से यूं ही खेला, उसे खिलौना सोचकर खेलते हैं, और फिर समाजी और दुनियाई फेरियों के बीच दर बदर की ठोकरे खाने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। धन्य इस देश की नारी जो ये सब कुछ सहकर भी उफ तक नहीं करती। हिम्मत सर बेटी, भगवान ने चाहा तो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रो क्यों रही हो आंटी, क्या हुआ आपको? नहीं डब्बू, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रही हो, चुप कर जाओ ना। देखो बेटी, तुझे इस तरफ देखकर डब्बू को बहुत तकलीफ होगी। नहीं माँ जी, मेरे डब्बू को कुछ नहीं हो सकता। देखो डब्बू, मैं रो नहीं रही। देख बेटी, अब तेरा यहाँ रहना मुश्किल है, बंबई की हर चीज तुझे काटने आएगा, तो हमारे साथ रानी खेत चल, डब्बू के साथ तेरा जी भी बह जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। पर माँ जी, पर और कुछ नहीं, माँ की इतनी सी बाकी नहीं मानेगी। हमारे साथ चलो ना आंटी। अब तो चलना ही पड़ेगा। चलूंगी, जरूर चलूंगी। क्यों रे, और कोई काम नहीं है तुझको? दिन पीछे निकलता और तेरी जान पहले शुरू हो जाती है, गर्दन मड़ोर के रख दूंगी एक दिन। हाँ तेरी आवाज भी सुन ली। जैसे कि मैं तेरे बाप की नौकर हूँ, तेरे पेट में तो चूहे ही दौड़ते रहते हैं। ला जी कहीं का Hey!
कर लो मेरी बहनों, एक एक रानी है इस घर में, पानी तो सिर्फ मैं ही भरती हूँ, काम की नकाज की, धर्म अनाज की। सोनिया, ओ सोनिया बेटे, सोनिया। हाँ बाबू, ये लो तुम्हारा बुक्का। अजाने किस बात का बदला लिया हैरान मुझसे, एक बेटा दिया वो भी ना होने वैसा। देखो ना बेटा, जिस माँ में सिंदूर और हाथ पीले होने चाहिए वही हाथ दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब तो इस जीने से मर जाना अच्छा। ऐसे क्यों कहते हो बाबा, मैं तुम्हारा बेटा न सही पर बेटी तो हूँ, अपने बाबा की देखभाल करती रहूं, यही मेरे लिए सब कुछ है बाबा, सब कुछ है। लो तुम अपना हुक्का पी लो, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। जय सीता की। ओ माफ कीजिए सरकार, कहने जा रहा था जय सीता राम की और ही कह गया, मेरे भेजे में भी भूसा ही भरा है। भूसा नहीं, आपकी खोपड़ी में औरत ही औरत है। पर सरकार 45 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी किसी ने आज तक अपनी लड़की का हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाया। मुंशी जी। जी सरकार। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी नजरों के सामने कभी कोई औरत नहीं आनी चाहिए, फिर औरतों को काम पर क्यों लगाया? जय सीता राम की सरकार, मैं तो कंपनी का नमक हलाल सेवक हूँ, हमेशा वही करता हूँ जिसमें कंपनी का भला और फायदा हो। ये छोटे मोटे काम के लिए औरतें मर्दों से आधे पैसों पर मिल जाती है सरकार। कंपनी मेरी है या आपकी, पैसे मैं देता हूँ या आप? सरकार कंपनी भी आपकी, पैसे भी आपके और ये खादम भी आपका। तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए, मेरे काम पर कभी कोई औरत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सरकार, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। सरकार अनंत गिरी के जंगलों की कटाई हो चुकी है और तकरीबन 2000 मन कोयला भी तैयार है। फिलहाल कोयला गोडाउन में स्टोर कर दिया जाए। बहुत अच्छा सरकार। और सुना? जी सरकार। सबकी पेमेंट हो गई है? जी हाँ सरकार, पर वो शांति आज 10 रोज से गैर हाजिर है, उसका जीजा भी पैसे लेने के लिए आता है, उसके लिए क्या हुक्म है? मुंशी जी जितनी शक्ल से उतनी ही औरत के नाम से मुझे नफरत है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ सरकार, पर वो शांति। फिर भाई बकवास। पर सरकार मैं तो शांति लाल की बात कर रहा हूँ। फिर ये शांति शांति क्या लगा रखा था? सरकार की गुस्से भरी आंख देखकर जुबान तो क्या सांस भी रुक जाती है सरकार। ये शांति लाल वही है जिसका बच्चा बीमार है? जी हाँ सरकार, वही वही। ऐसा कीजिए कुछ तनख्वाह और एडवांस उन्हें भिजवा दीजिए ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। और हाँ, वो जो औरतों को आपने काम पर रखा है उन्हें फौरन डिसमिस कर दीजिए, बिल्कुल आउट ऑफ साइट। हमीद, हिया, गोपाल, मैंने कितनी मर्तबा समझाया कि डब्बू बाबा के खिलौनों को कोई हाथ न लगाए, फिर किसने ये डब्बू खिलौने निकाले? किसी ने नहीं साहब, डब्बू बाबा खुद ही खेलते रहे। क्या बात है, डब्बू बाबा कहाँ? डब्बू बाबा और मांझी सुबह की गाड़ी से आ गए। आगे डब्बू डब्बू माँ सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। आपने मुझे खबर क्यों नहीं की मैं स्टेशन आ जाता? अरे बेटा मैं बच्चा तो नहीं हूँ और ये जगह मेरे लिए नहीं थोड़ी है, लेकिन ठहर इसे मिल। आ बेटी, ये है अंजलि, कुछ दिन यहीं ठहरेगी। बेटा इसी की दिन रात मेहनत से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है, क्या प्रेम से उसने डब्बू को संभाला है। जिस तरह चाहे आप इनका शुक्रिया अदा कर लीजिए, मगर मगर मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। गुड नाइट अप्पू। गुड नाइट पापा। बेजुबान दिल छोर ना मचा, तेरे दर्द
खुशी के नीले चलना है अब तुझे तो इस राह में अकेले बेजुबान खत्म करो उसके बाद चेरी जैम का टोस्ट। चलोगी ना आंटी? जरूर चलूंगी। गुड मॉर्निंग डब्बो। गुड मॉर्निंग पापा। नाश्ता ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं माँ, मुझे जल्दी काम पर जाना है। काम पर तो पहुँच जाना है, लेकिन कुछ खा कर तो जाओ। कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी। बैठो। मेरी तबीयत को कुछ नहीं होता माँ, आप खा लीजिए। मैं क्या खाऊं, अकेले खाने को मेरा जी नहीं चाहता। अकेली क्यों माँ, और लोग भी तो हैं। अच्छा माँ, बाय बाय डब्बो। बाय बाय पापा। सरकार बस दो ही दिन की देर है, उसके बाद पत्थरों का काम शुरू कर देंगे। दोनों ब्लॉकों में मिलकर कुल 6,500 दरख्त थे। कटे कितने? जी सरकार बस यही 6,262। ई डिवीजन की क्या पोजीशन? जय सीता। जय सीता विदा नहीं, मैं ई डिवीजन की पोजीशन जानना चाहता हूँ। वही तो सरकार, आधे से ज्यादा कटाई हो चुकी है और फिर लेबर भी डबल कर दी है। बस दो दिन में जय सीता राम हो जाएगी। जो बुढ़िया आती हैं, सुबह सुबह कपड़े पहनती हैं, गाना गाती हैं और नाचती भी हैं। अच्छा? हाँ, आओ और भी दिखाता हूँ। यहाँ परियों की रानी सोती थी। घूमने चले आए थे? घूमने के लिए तो और भी बहुत सी जगह है, लेकिन इस बच्चे को लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पापा, पर आंटी को तो मैं यहाँ लाया हूँ। खामोश। लेकिन इसमें बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? इसलिए कि फजूल किस्म के जवाब सुनने के मैं आदी नहीं। लेकिन इसने ऐसा तो कोई जवाब नहीं दिया। अदालत करने की कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आप सवार हो जाए, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरे बच्चे को लेकर यहाँ आने की जरूरत न करना। चलो डब्बू। दादी माँ, पापा ने हमको मारा। पापा ने तुम्हें मारा? पापा क्यों कहा मिले? परी महल में। परी महल? ये लोग वहाँ क्यों गए थे? घूमते हुए चले गए थे। वहाँ अशोक जी तूफान की तरह आए, गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गए और डब्बू को तमाचा दे मारा। मुझ पर भी नहीं, लेकिन डब्बू को नहीं मारना चाहिए था। अभी अभी तो बीमारी से उठा है। सो तो ठीक है बेटी, लेकिन परिमल देखते ही अशोक गुस्से से पागल हो जाता। क्यों माँ जी, क्या वो इतनी बुरी जगह है? जगह का कोई, लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से अशोक के दिल में परिमल के लिए नफरत पैदा हो गई। वो नहीं चाहता वहाँ कोई जाए, खास करके तुम लोग वहाँ मत जाया करो। गुड इवनिंग। यस प्लीज। मिस अंजलि को बुलवा दीजिए। वो तो यहाँ से रिजाइन करके जा चुकी है। अच्छा, थैंक यू। मेंशन नॉट। एक्सक्यूज मी, जरा मिस अंजलि को बुला दीजिए। जी, वो तो हॉस्टल छोड़ गई। हॉस्टल छोड़ गई? हाँ, और अपने सामान तक लेने नहीं आई। क्या बता सकती हो उसने हॉस्टल कब छोड़ा? जी, इसी महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख मतलब उसे मेरा केबल नहीं मिला?
केबल, हाँ केबल तो वो रहा जो उसके जाने के बाद आया। वो अपना कोई और पता छोड़कर नहीं गई? नो आई एम सॉरी। हाँ मिस किटी है, उसे सब पता होगा। जी मिस किटी हॉस्टल में नहीं है। थैंक यू। छोड़ दिया है, हॉस्टल भी छोड़ दिया है, इसके सिवा मुझे कोई और ठिकाना भी तो नहीं मालूम उसका। कहाँ जा सकती हूँ, इतनी बड़ी दुनिया में कोई है भी तो नहीं उसका। कहीं उसने कहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर ये सब क्या हो गया, कहाँ चली गई है वो, कहाँ गई? फिर स्वेटर लेकर बैठ गई? कितनी रात हो गई। अरे आंखें खराब हो जाएगी तेरी। आप चिंता न कीजिए माँ जी, मेरी आंखों को कुछ नहीं होगा। कल डब्बू का जन्मदिन है ना, ये तो एक छोटा सा तोहफा है जो मैं उसे दे सकती हूँ। तू ऐसा क्यों कहती है? तूने उसे वो तोहफा दिया है जो उसके अपने भी नहीं दे सके। ये डब्बू पे अच्छा खिलेगा ना माँ जी? हाँ बहुत खिलेगा। Happy birthday dear Dabu, happy birthday to you. एक माँ ने ममता का गला खोल दिया और एक पति ने अपनी आंखों के सामने अपने संसार को बर्बाद होते हुए देखा। कमीना नहीं बल्कि शरीफ और इज्जतदार इंसान। एक इज्जतदार के गिरेबान पर हाथ रखने का नतीजा जानते हो ना साहब? तुम ये नहीं जानते ये बच्चे की माँ और किसी की बीवी है? वाह भाई वाह, कैसा जमाना आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बीवी खुद से नहीं संभली, इल्जाम दूसरों पर। सलीम, गैरों से हाथापाई करने की क्या जरूरत है? ख्याल तो आपको पहले ही करना चाहिए था, जबकि मुझ जैसे आजाद ख्यालात की लड़की के साथ शादी करके उसे बीवी बनाकर चार दीवारी में बंद कर दिया। लेकिन इसमें आपका क्या दोष है? आपने तो दुल्हन इन जंगलों को बनाया, कोयले के भंडार को सीने से लगा रखा, इन जंगलों में दर्द को बीवी समझ कर दिन रात इन्हीं से लिपटे रहे। आप ये भूल गए कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, अरमान है, मुझे भी प्यार और मोहब्बत की जरूरत है जो कि हर औरत को होती है। औरत, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर शोभा नहीं देता। तुम्हारी जलील हरकत ने औरतों के उस ऊंचे दर्जे को जिसे इंसान देवी मानकर पूछते हैं ऐसी गंदगी में गिरा है जिसे हर शख्स नफरत की निगाह से देखेगा। जीत चाहता है तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके चारों वालों को खिला दो और खुद फांसी पर चढ़ जाओ। मगर
मुझे उस नन्ही सी जान टप्पू का ख्याल है जिसने तुम्हारी कोख से जन्म दिया। तुमने माँ और बीवी के नाम पर वो तमाचा मारा जिसने मैं तो क्या कोई भी इंसान समाज या मजहब माफ नहीं करेगा। तुम्हारी तो बच्चा भी जिंदा पाप और गुनाह में डूबी हुई है। ये नापाक चेहरा लेकर मेरे सामने कभी नहीं आ। जोगी जोगी कहाँ जा रहे हो जोगी? जोगी के लिए अब तुम्हारे पास क्या रखा है? जब तुम एक की न बन सकी तो दूसरे की क्या बनोगी? नहीं नहीं ऐसा मत करो जोगी। मर जाओ, तुम मरने के काबिल हो। जोगी जोगी जोगी। तभी से अशोक का स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो गया, उसे औरत की परछाई से भी नफरत हो गई। उसके जीवन में उदासी छा गई, वरना वह ऐसा नहीं था बेटी। उसका दिल भी प्यार और उमंगों से भरा हुआ था, पर होनी की एक ही ठोकर ने सब कुछ बदल दिया। ये घटना डब्बू के पहले जन्मदिन पर हुई। क्या माँ जी, संसार में ऐसी भी औरतें हैं? क्यों नहीं बेटी, वरना इसे कलयुग कौन कहता। डब्बू सो गया है। यह तो मैं भी जानता हूँ, मगर गाना गाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इसके सुनते ही डब्बू चैन की नींद सो जाता है। चैन की नींद सोए या न सोए, मगर तुम कान खोल कर सुन लो। अगर गाना गाना है तो किसी जंगल में जाके गाया करो, इस घर में नहीं। कितने अच्छे बाप हैं आप, जिन्हें जरा भी अपने बच्चे के सुख और चैन का ख्याल नहीं। सुना तो है माँ के मर जाने के बाद बच्चे को माँ का प्यार भी बाप ही देता है। जब आप एक अच्छे बाप नहीं बन सकते तो माँ का प्यार क्या देंगे? शाबाश गोविंद सिंह, शाबाश, खूब रस्सी खींच रहे हो, जरा जोर से, पहले ही झटके में नीचे आ जाएगा। अबे ओ प्याले, जरा कुल्हाड़ी तेज चला। ओ फिरक के बच्चे, तू बीड़ी ही पीता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जय सीताराम। क्या दावत, कौन सी तारीख है? 18 तारीख सरकार। क्या हर काम क्या आज तक न तो काम करते हो और न तो काम लेने जाते हो, फर्क की तनख्वाह खाते हो, मुफ्त बांटते हो। मैं पूछ रहा हूँ, हर काम में ताकत नहीं है क्या? इधर दौड़ से इधर। ए, तू क्या कर रहा है? मैं क्या, ये कुलाड़ी चला तो ये दर्द पर हाथ फेर रहा है। तुम कहां से टहलते हुए चले आ रहे हो? जी क्या चलो घर पे चलो। सुन लो, कान खोल कर सुन लो, कल शाम तक अगर काम नहीं हुआ तो तुम काम से हाथ धो बैठोगे और साथ ये सब भी, समझे? हाँ जी सरकार, गुस्से में तो हमेशा ही रहते हैं, मगर आज तो भैरव का रूप धारण कर लिया है। वारे ऊपर वाले तेरे खेल निलारे, अभी जल्दी काम। क्या कर रही है? देखिए ना कितनी धूल जमी है, लगता है बच्चों से किसी ने साफ ही नहीं किया। बेटी जब से बहू गई है किसी ने इसे छुआ तक नहीं। मुझे तब से मोहब्बत हो गई, बस एक मुस्कान।
हाँ हाँ, मैं तो गुस्से के मारे पागल हो जाता हूँ, जो जी मैं आपका कर बैठा हूँ, मगर इस घर में वो बातें क्यों होती है जिससे मुझे गुस्सा आता है? ये रकम क्यों बदल गया? क्यों माँ, तुम तो जानती होगी। सरस्वती देवी, ये जगत धात्री माँ है और ये लक्ष्मी देवी है। ये दुनिया पूछती है। पूछती होगी, मगर ये मूर्तियाँ यहाँ किसने रखी? मैंने। ये हक तुम्हें किसने दिया? सच्चाई ने, जिससे आप दूर भागते हैं। दूर नहीं भागता, बल्कि सच्चाई को मैंने बहुत करीब से देखा, इसीलिए तो मुझे औरतों के नाम सही नहीं, उनके पास भी नफरत। नहीं, ये आपका वहम है, आपको औरतों से नफरत नहीं, बल्कि झूठ के पर्दे ने आपकी आंखों से सच्चाई की रोशनी छीन ली। आप तो हर रोज औरत के चरण छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, आपके रोम रोम में उसके लिए प्यार, फिर उससे नफरत क्यों निकलती? लेकिन औरत जो कि पहले बेटी फिर किसी की बीवी और उसके बाद माँ बनती है, और बीवी तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती है, पर माँ सदा के लिए, जिसने राम और कृष्ण को पैदा किया, जिसकी कोख से ईसा, मोहम्मद और गौतम ने जन्म लिया, गांधी, नेहरू, शास्त्री और सुभाष जैसे महान पुरुष भी स्त्री की गोद में ही खेले, फिर भला स्त्री जाति से नफरत कैसे की जा सकती है? अशोक साहब, एक औरत के कलंक को सारी स्त्री जाति के माथे पर नहीं थोपा जा सकता, उसके गुनाहों की वजह से सारी दुनिया की औरतों को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें ठुकराया नहीं जा सकता, उनसे नफरत नहीं की जा सकती। भगवान के लिए धोखे के नकाब को दिमाग से उतार दीजिए और सच्चाई को अपनाइए। जो जख्म एक औरत की व्यवहार ने मुझे दिए, उसका इलाज ये लंबे लंबे भाषण नहीं, बल्कि एक ईमानदार, सच्ची और वफादार बीवी है। क्या तुम मुझसे शादी करके उन जख्मों का इलाज कर सकती हो? बोलो, कर सकती हो? जवाब दो। डब्बू, आज तुम्हारी आंटी ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगी? हाँ, आंटी तो आए नहीं, मैं भी लाता हूँ। बैठे रहो बेटा, हीरा सिंह बुला रहे हैं। हीरा सिंह जी? मां जी, जाओ जल्दी से अंजलि मैम साहब को बुला देना। मां जी, अंजलि मैम साहब को तो आज सुबह से नहीं देखा। सुबह से नहीं देखा? सुबह से नहीं देखा। अच्छा हुआ कि मैं वक्त से पहले पहुंच गया, हकीकत सामने आते ही आप भाग खड़ी हुई। ताज्जुब है, सच्चाई की पुजारन सच्चाई से खुद मुंह फेर कर भाग जाना चाहती है, लेकिन कहा? ये तो मैं भी नहीं जानती। कमाल है, हटके हुए राही को राह पर टालकर रहनुमा खुद भटक जाना चाहती। जाना ही है तो जरूर चली जाना, मगर सजा देने से पहले इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? बेगुनाही की सजा तो मुकद्दर ने मुझे दी है, आप नहीं जानते, मेरे यहाँ रुकने से उजाला फिर अंधेरे में बदल जाएगा, ठहरी हुई जिंदगी में फिर हलचल मच जाएगी और वो तूफान उठेगा जिसमें से आप जिंदगी भर नहीं निकल सकेंगे। क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, औरतों के लिए मैंने आपके दिलो दिमाग में वो ऊंची जगह पैदा कर दी है, फिर भला उसे गिरते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? मेरी जिंदगी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिंदगी के लंबे सफर में एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, और वो साथ मैंने तुमसे मांगा। शायद मेरा साथ तुम्हें पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मनुष्यत की परछाई तक भी आपके सुनहरे जीवन पर पड़े। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारे में हर वो अच्छाई नजर आई जो एक औरत में होनी चाहिए, इसलिए तुम नेक बीवी और एक अच्छी माँ बन सकती हो। मेरी असलियत जानते ही वो वकालत जो मैंने औरतों के लिए की है सब मिट्टी में मिल जाएगी, पहलवी करने वाला वकील खुद गुनहगार बन जाएगा। कौन सा गुनाह है जिसे तुम छुपा रही हो?
जिंदगी के खूबसूरत मोड़ से भागकर अंधेरे में खो जाना चाहती हो। वो क्या राज है, कौन सी सच्चाई है जिसे तुम होठों पर लाने से डरती हो? बस कीजिए भगवान के लिए और कुछ मत कहिए। तो फिर बोलती क्यों नहीं? इसलिए कि आप सुन नहीं सकेंगे। क्या? मैं मां बनने वाली हूं। ये भी किस्मत का खेल है, मैं एक औरत का ठुकराया हुआ हूं और तुम मर्द की। लेकिन अंजलि, जिंदगी से भागने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। एक औरत की मौत हुई और मां ने जन्म लिया। मां सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। तुम्हें भी बहुत कुछ देना होगा, आने वाले के लिए सभी कुछ कुर्बान करना होगा। इस संसार में आने वाले को बाप के नाम की जरूरत है और वो नाम मैं दूंगा। मैं अशोक जी, तुम्हें उस आने वाले की कसम है, मुझे ये कभी नहीं बताना कि वो पापी कौन है। अगर मुझे पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए लड़की, कौन हो तुम? कोई घर वाला है? आदमी शहर के जरूर लगते हो मगर ऊपर बिल्कुल खाली। क्या मतलब? मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मतलब बताऊं। कहना यह है कि भेजा नहीं है। घर वालों से पूछते हो कि घर वाला कोई है? तो तुम ही? हाँ हाँ, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मेरे बापू हैं और मैं हूँ। तो क्या तुम सोनिया हो? सोनिया नहीं तो तुम्हें और क्या दिखा देती हूँ जी? सोनिया, सोनिया बेटे, ये आवाज किसकी है? मेरा तो दिल कहता है बाबा बाबा बाबा, मैं क्या गया कि तुम्हारी आंखें भी चली गई। मैं कितना आभागी हूँ बाबा, जबकि बाप की लड़का बनना चाहिए था मुझे। मैं जवानी के जो इसमें शहर से शहर घूमता रहा, लेकिन आज मालूम हुआ बाबा कि जो छाव बाप की गोद में मिल सकती है वो स्वर्ग में मिले। बाबा मुझे माफ कर दो मेरे बाबा। पगला तरीका, अरे सोता क्यों है पगले? जो तूने किया है बहुत से बच्चे करते हैं मेरे बेटे, बहुत से। और जो मैंने किया हर बाप करता है। हाँ, हर बाप। सोनिया, सोनिया बेटे, इससे मिल। हाँ, ये तेरा भैया है। जब तू दुल्हन बनेगी ना, तुझे तेरा डोला उठाएगा बेटे, तेरा डोला। हाँ नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं मिलूंगी इससे। क्यों बेटे? जिस बेटे ने आंखें छीन ली तुम्हारी बाबा, जिस भाई ने अपनी बहन की और भी की चिंता नहीं की, भला वो मेरा डोला क्या उठाएगा? वो तो तुम्हारी अर्जी को कंधा भी नहीं देगा बाबा। ये भाई नहीं दुश्मन है, इंसान नहीं हैवान है। मैं इसे नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी बाबा। मैं बुरा जरूर, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। एक बहन अपने भाई को इस तरह से धिक्कार दी। मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या एक बहन अपने भाई को माफ नहीं कर सकती? हाँ भैया, वो कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। ओ भैया, दिन इतना चढ़ गया, तुम अभी तक सोए हो? ए, सारे गांव को जगाना आसान है लेकिन तुम्हें जगाना बहुत ही मुश्किल। चलो उठो, उठो ना भैया, उठो ना। ए, उठो ना भैया, उठो। ए
भैया तुम ठीक तो हो ना भैया? घबरा नहीं सुनिया, ये बीमारी बहुत पुरानी है, मगर मैं इसकी दवा भी जानता हूँ। तुम्हारा मतलब है? चलो, तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, थोड़ी सी और पी लूंगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दुनिया में कुछ लोग रात के अंधेरे में मरने के लिए पीते हैं, मगर मैं दिन के उजाले में जीने के लिए पीता हूँ। मेरी अच्छी बहन, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दे, जल्दी दे दे। ये लो। परसों के बाद अशोक के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और प्रशांति कितनी श्रद्धा से लिया ने, ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। अरे हाँ, आज पंचमी है, मुझे देवी को पूजा चढ़ानी है। मैंने मन्नत की थी डब्बू ठीक हो जाएगा तो मैं देवी को पूजा चढ़ाऊंगी। क्या फर्स्ट क्लास लकड़ी, मजा आ गया। अजी तुम्हें काम पे रख के अपने इस छोटे से पेट पर लात मरवाऊं? लो वो सरकार आ गए, भागो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ साथ इस बाल गोपाल का भी पत्ता कट जाएगा। जय सीताराम की सरकार। जय सीताराम की मुंशी जी, फरमाइए क्या खबर है? बात क्या है सरकार, हजार मरतबे मना किया है मगर जब देखो मुंह उठाए चली आती है काम मांगने को। तो इन्हें काम पर क्यों नहीं रख लेते? मगर सरकार आपको तो औरतों से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इन्हें काम पर रख लेना। तुम्हारे ऊपर वाले काया ही पलट गई, सिगरेट भी पी रहे हैं और औरतों को काम पर भी। हर सूरज जरूर आज पश्चिम से उदय हुआ है, पूरब से नहीं। भगवान आपका भला करे, भगवान के नाम से कुछ ना कुछ देवता आपके वही होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ पहाड़ कर दे। ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसे। अच्छा सोनिया, जब देखो बेवक्त का भजन शुरू कर देती है। भगवान करे कि तुम्हारे कानों में भी कभी भजनों की आवाज पड़े। भैया ये भी तो किसी की बेटी है, बहन है, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो। सोनिया, अरे कौन है माई का लाल, शंकर उसका टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो फिर छोड़ दो इसे, वरना आज एक अबला की इज्जत बचाने के लिए बहन भाई के टुकड़े करने पर मजबूर ना हो जाए। शंकर ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, तू
नहीं, ये तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें उपकार की क्या बात है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। हाँ, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ, हो सके तो उसे माफ कर देना प्लीज। मैं जीप गैराज में रख के आता हूं। अंजू, तुम यहां क्या करने आए हो? यही सवाल तो मेरा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, घर में यूं घुसकर बैठे हो जैसे अपना ही हो। हाँ बिल्कुल अपना है। सुनो मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे आवारा और दगाबाज की बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जाओ वरना नौकरों को बुलवा के धक्के मार के बाहर फेंकवा दूं। सुनते आए हैं गुस्से में हुस्न और भी निखरता है। आने दीजिए निखार को पूरे शबाब पर। वैसे हम भी बहुत जिद्दी हैं, बुलवाइए नौकरों को, धक्के मारकर फेंकवा दीजिए बाहर। क्या बात है, किसको धक्के मारकर बाहर फेंकवा रहे हो? देखिए ना माँ जी, न जाने कौन आवारा। आवारा तो है ही, इसीलिए बरसों के बाद घर आया है। अरे ये है मेरा छोटा बेटा केवल। नमस्ते जी। केवल भैया, केवल मेरा केवला, मेरा केवला, मेरा केवला। अरे अरे जरा जरा जी भर कर देख तो लेने दे कमबख्त। तू वाकई बड़ा बड़ा पत्थर दिल है, यानी कि जरा सी हार उठ के चला गया कि बरसों तक माँ और भाई की नहीं आई है, और ये बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की तू कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। भैया, अरे बुटी तू नहीं जानता तेरी गैर हाजिरी में मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझ पर क्या क्या बीत। भैया माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो वादा आइंदा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। Nothing doing, तेरे ऐसे वादे का कोई भरोसा नहीं। हाँ तू एक बात तो पता है, माँ की कसम कभी नहीं तोड़ेगा। चल खा माँ के चरणों की सौगंध, चल चल। बस 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 तकदीर ने तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया है, लेकिन तुम उसे ठुकरा कर जा रही हो। मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ दो भाई हैं, एक वो जिससे मैंने प्यार किया, अपना सब कुछ दे दिया, दूसरा वो जिसने मुझ बदनसीब को अपनाया, सहारा दिया। तुझे तो मर के भी जिंदा रहना होगा और फिर आने वाले की तकदीर को बदलने का तुझे कोई हक नहीं, जबकि उसका अपना खून उसे अपनाने के लिए तैयार है। केवल को भूल जाओ, धोखे पास है, उसने तेरा सब कुछ लूट लिया है, तुझे बर्बाद कर दिया है। तू तो बर्बाद हो चुकी, आने वाली को क्यों बर्बाद करना चाहती है? इस संसार में बिन बाप के बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। समाज उसके हक छीन लेता है, उसे ठुकरा देता है, इंसाफ के चिराग उसके लिए बुझा दिए जाते हैं, कुदरत उसकी जिंदगी को तमाशा बना देती है। क्या तू अपने बच्चे के लिए सब सह सकेगी? नहीं, नहीं। जय सीता।
सीताराम सरकार। जय सीताराम की मुंशी जी, जय सीताराम की। नो 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 नो, आज कोई काम नहीं, आज सबको छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा सरकार, किस बात की खुशी है? मुंशी जी, बरसों के बाद मेरा छोटा भाई केवला लौट आया। खुशियां मनाइए। छोटे सरकार, ये लीजिए और सबको मिठाई बांट दीजिए। बहुत अच्छा, जय सीता का चमत्कार। संभल के, टक्कर लग जाएगी। टक्कर लग जाएगी तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो चोट लगेगी, और चोट लगी तो दर्द होगा। डब्बू बेटे, तुम तो बहुत ही अच्छे बेटे हो। मैं होता हूँ तो फिर जल्दी से अंकल का लाइटर ला। अभी ला। शाबाश। मेरे रास्ते से हट जाइए। सुनो, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरी बात को ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ दो मिनट। बात दो मिनट की हो या दस घंटे की, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखिए, ज्यादा करना ठीक नहीं है, गर्दन बल खा जाएगी। केवल? हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ माँ। प्रसाद लो। क्या गप्पे उड़ा रहा था अंजलि के साथ? मैं उसे कह रहा था कि अगर माँ पूछे तो उसे कहना कि वो अपने वो राय साहब है, राय साहब। हाँ। और बाकी सब दोस्तों से मिलने मिलाने जा रहा है। अच्छा, जा रहा था। अच्छा। जाओ। कल बहुत झंझट था। गांव का छोड़ो यार, हर गांव में तो लोग बहुत परेशान हैं। शहर में तो तंग आ गया है, गांव में तो हमेशा चलता है। क्या करें, हम तो लोग बड़े और अमीर लोग के सामने लड़ना भी नहीं। गाँव की जनता से लोग केवल भैया। तुम्हारा कैच मैंने पकड़ा है, मैं बैटिंग करूंगा, तुम बॉलिंग करो। तरह लंबा चौड़ा है, शर्म नहीं आते बच्चों में खेलते हुए? अंधे हो गए हो क्या? जब अगर देखे जहां जी चाह मार दे। ए! बड़ी जरूर हो गई, पर है वैसे की वैसे। अरे केवल, तू कब आया रे? कल ही तो आया हूँ। पर तू इतने साल तक कहां रहा, क्या करता रहा? करता क्या रहा, हवाई जहाज उड़ाता रहा। लेकिन लगता है तू सिर्फ फाकते उड़ाती रही। फाकते उड़ाती रही नहीं, वक्त काटती रही तेरे इंतजार में। मेरे इंतजार में? क्यों? पागल कहेंगे। चलो भाई। बेटा, वो बाबा डैडी।
गुड मॉर्निंग मम्मी। आओ बैठो। कितनी अच्छी है ना? हाँ माँ वो तो है। ऐसी भोली भाली लड़की को कोई दुखी कर सकता है? नहीं माँ बिल्कुल नहीं, ऐसी सीधी सादी लड़की को भला कौन दुखी कर सकता है। लेकिन बेटा इस संसार में बड़े कठोर दिल मर्द होते हैं, इस बिचारी के दिल को भी किसी बेईमान पायलट ने बड़ी ठेस पहुंचाई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आई। इसके आते ही घर की काया पलट गई, रौनक वापस आ गई। अशोक के चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट इसी ने वापस दी। मैं तो चाहती हूँ कि ये सदा अशोक के होठों की मुस्कुराहट बनी रहे, और धप्पू इसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। भगवान इसकी उम्र लंबी करे और सदा सुखी रखे। तू क्यों चुप हो गया, किस सोच में पड़ा है? मैं यही सोच रहा था माँ, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे और इसे दुखी करने वाले को सजा जरूर दे। ओफो कहाँ चला, वही बचपन की आदतें, न चाय पी न खाया, ठहर जरा। ओफो क्या किया जाए इस लड़के के लिए। अरे मरद का बच्चा छोड़ा। हाँ हाँ शंकर गाले शंकर कसम से। अरे खूब गुजरे जो मेरे बहने की दीवाने दो। हाँ मैं तुझे बॉम्बे में ढूंढ रहा। अरे वहां तो मुझे बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं कसम से। लेकिन वो किटी। अरे तू बिल्कुल फुजूल आदमी है यार। अरे क्या बेवकूफ की आदमी छेड़ बैठा। अरे इस वक्त तो पीने और पिलाने की बात कर प्यारे, ले से और खट से उतार ले गले के नीचे। मेरी तरह बस तेरा भी एक ही साथी बाकी रह गया है, अपने पराए और पराए अपने हो गए कसम से। यार ये औरत में कुछ अजीब ही चीज है। मालूम होता है तुम्हें कुछ ज्यादा है। ज्यादा तो तुम भी पियो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पहले छोटे से फिर बड़े भाई से। ये औरत का चक्कर खूब है कसम से। हाँ पिछली बातों को भूल जा, चिंगारी कभी रहने दे, औरत तेरी परछाई। अरे भड़कने की डर से ही तो मैं यार यहाँ आया हूँ। देखते वक्त एक बात कहूँ, तू मेरा दोस्त है ना, तो आज के बाद किट्टी की बात। तो फिर मेरी पिछली जिंदगी के बारे में भी कौन समझ गया यार ये ना। तो हर दोस्त की बात पक्की है तो इसी बात कर ले। पी पी चेस मरण का बच्चा है। अरे यार बस 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 ही समथिंग बोलो रोड आल्सो यार। कम चल 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 रे नौजवान। अरे यार बस करना कुछ, मेरे लिए भी छोड़ा के नहीं। अरे बस यार बोलता हूँ ये चला जा रहा। अरे अरे मूछ कहाँ है? अरे मूछ किधर है यार? मूछ इधर है। अरे ये छोटी वाली नहीं बड़ी वाले। अरे जा मेरे को याद आया बड़ी वाले मूछ किधर है? ये रख रख शंकर का देख। अरे केवल तू क्या पहचानेगा? अरे शंकर का कभी एक रूप हुआ है? देख अपने घर में कुछ बाहर कुछ इधर कुछ उधर कुछ समझा कुछ मैं समझा मेरी मौज निकल रही है। देख मौज निकल बात दरअसल ये है, बोलना नहीं किसको, रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है ना, और तुझे तो मालूम अपना किसी का मामला। चल चल चले लुढ़कना नहीं संभाले। मैं तेरे को संभालू तो मुझे संभाल।
कुछ तूने कही कुछ हमने कही। अरे छी छी छी, कैसा नंगा लिबास पहन रखा है। गांव की लड़कियां तमाम खराब कर रही हैं। ऐसी लड़कियां तो गांव की लड़कियों को सब खराब कर रही हैं। सोनिया, सोनिया बेटी। हाँ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आ। मालूम तो हो तू क्या पहनती है। भाई शर्म की तो कोई बात नहीं। हाँ, कपड़े जरूर विलायती फैशन के पहन रखे हैं, लेकिन राय साहब ये बड़ा नंगा सा पहरावा है जो हमारी बस्ती में शोभा नहीं देता। आप लोगों ने उसके लिबास की तरफ तो खूब ध्यान दिया, मगर भाई ये नहीं सोचा कि ये लड़की विलायती स्कूलों में पढ़ी और विदेशियों के बीच रही। इसके बावजूद इसने उनका लिबास तो जरूर अपना लिया, लेकिन तेरे दिमाग से बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की है मेरी सोनिया। मैं तो कहता हूँ जमुना दास जी, सोनिया की तरह हर लड़की विदेशी लिबास चाहे अपना ले, लेकिन जीरो दिमाग से हिंदुस्तानी रहे, अपनी सभ्यता को ना भूले। इसी में हमारी बस्ती और देश की शान है। आप लोग जा सकते हैं। देख शंकर, मुझे कोयले को फूंक मत। चिंगारी शहर में आग जन्म लेती है और आग हरे घर को जलाकर फूंक देती है। घर न जले इसीलिए तो पिता हूं मैं। जब चिंगारी ही ना होगी तो घर कहां से जलेगा। और क्या पूछते है? अरे मैं क्या पूछूंगा तेरी फरियाद को, कितनी मेरे सामने कबूतर की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। डराने के लिए मैंने पिस्तौल हाथ में लिया था और गोली चल गई जान से। मेरे यार सोचा था क्या क्या हो गया कसम से। हाँ दोस्त ठीक कहते हैं, सोचा था क्या और क्या हो गया। इंतजार कर रही होगी। एक दोस्त, जिस बात को दबाने के लिए मैंने अपने तन मन में आग लगा दी उसे मत बोलना। उसे मत बोल। अरे क्या बात करता है, मेरी जान जान चली जा पट पर बात बार रह जाएगी। मगर यार आजकल मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। जब नहीं पीता हो ना तो मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं और जब पी लेता हूँ तो होश में रहता और होश में रहने के लिए तो मारो ना मार जाइए होता जो आजकल मेरी जेब में नहीं। क्या कोई रोक लेने का बंदोबस्त कर दो। अरे मैं मतलब पीने के लिए होश में रहने के लिए यार गुस्से मत हो कर। अरे रोक रहा यार ना फिलहाल ये काफी बाकी तो होता ही रहेगा, मिलते ही रहेंगे। क्या तू कर जा तू पे हुए यार। केवल एक बात समझ में नहीं आए, तू हमेशा यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा और मुझे गेमों से मारा करता था, आज तुझे हो क्या गया, तू हार कैसे गया? छोटा भाई हूं ना, हारना मेरा फर्ज है। बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप को सभी कुछ करना पड़ता है। बाबा कसम से मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या है शंकर, तो मेरा है। शंकर झूठ बोल कहाँ।
हाँ तो बाबा मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था कि मेरा यहाँ रहना सरकारी काम की वजह से है। काम ही कुछ ऐसा है, देखो ना, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, बाबा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। मुझे तो सभी कुछ गड़बड़ लगती है भैया। ये देखो बाबा, भैया की पिस्तौल है। पिस्तौल? पिस्तौल का क्या काम? बाबा मैंने कहा ना, मेरे जिम्मे काम ही कुछ ऐसे हैं। देखो ना, इस काम की वजह से हमेशा मेरी जान को खतरा रहता है, इसलिए हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। अरे ये बच्चों के खेलने की चीजें क्या करी है ऐसे ऐसे पर पर। कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे मुझ जैसे धोखेबाज शराबी को कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घर और भैया के लिए मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांग रहा हूँ अंजलि दे। इस घर को स्वर्ग बना दीजिए, भैया की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, उन्हें हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। सुना है, दिल की बात किसी यार को बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और अपना तेरे सिवा कोई दूसरा यार है भी नहीं। और तुझे भी क्या बताऊं यार, तू तो जानता है मेरे दिल का बोझ क्या है। एक बात सुनिए, जब इंसान के कदम किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो तू हमेशा उनका साथ देता है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूं, जिंदगी में कभी मेरे पांव लड़खड़ा गए और सच्चाई जुबान पर आ गई तो दुनिया वाले मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, तुझे एक पत्थर का टुकड़ा समझकर ठुकरा देंगे। हंस क्यों रही हो? हंस नहीं तो क्या करूं? सुनते आए कि सच्चाई इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, और एक तुम हो जो सच को छुपाकर झूठ के सहारे किसी मंजिल को ढूंढने की फिक्र में हो, और उस पर ऊपर वाले का साथ भी मांग रहे हो। अरे केवल वो तो सच का साथी है। खैर छोड़ो, ये तो बताओ प्यारे, वो मंजिल कौन सी है? मुझसे पूछो, वही जो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। कसम शंकर, मेरा मतलब है कि पादर से लिए है केवल कि नशा टूट रहा है और जुबान खुल रही है। क्या ख्याल है, चलें ठेके पर? एक जुबान बंद करने के लिए यार। बात हुई ना सोनिया, मैं आता हूँ घर पे, तू फिक्र नहीं करना। तुम तो कहा करते हो कि दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसे अगर कोई भूल कर झूठ का सहारा लेने की कोशिश करे तो इसका क्या मतलब होता है बाबा? किसकी बात कर रही हो बेटी? किसी की भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी बाबा। ये तो बड़ी सीधी सी बात, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और झूठ बहुत मीठा। कड़वे घूंट पीकर मीठा बांटने वाला अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीता है। किसी और के लिए? पर बापू, चुप क्यों हो गई बेटी? कुछ भी तो नहीं बापू। बापू मैं तुम्हारे लिए चिलम ले आऊं। जहां कोई
म्युनिसिपैलिटी को इतनी मरतबा बोला है तरह सड़क बनो, बनाता ही नहीं है। केवल को ऐसी जगह नहीं जहाँ ये दो दुखी चैन से रह सके यार। क्या बताओ यार, मैं तो कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन भैया ने माँ की सौगंध देके मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं भी जान ले सकता हूँ लेकिन माँ की सौगंध नहीं तोड़ सकता। माँ की सौगंध ठीक है तो बेटे, तुम माँ की सौगंध निभा और अपन चले जा। हाँ बाय संभलना। केबल, ए केबल, सोचा तो था कि आज तुझे दिल का हाल क्या ही दूंगी, मगर तू मेरी क्या सुनेगा, तू तो खुद होश में नहीं। चला तुझे घर छोड़ा, ये क्या हाल बना रखा है तूने, क्यों खेल रहा है अपनी जिंदगी से। केवल अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, वो मंजिलें बदल गई, कहाँ थे हम कहाँ है हम। अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, वो मंजिलें बदल गई, कहाँ थे हम कहाँ है हम। अजीब जिंदगी है ये, ये कल की बात है, हसीन ख्वाब था जहां, वो ख्वाब सारे जल गए, ये साथ रह गया धुआं। अभी ये कल की बात है, हसीन ख्वाब था जहां, वो ख्वाब सारे जल गए, ये साथ रह गया धुआं। अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, वो मंजिलें बदल गई, कहाँ थे हम कहाँ है हम। अजीब जिंदगी है ये। लबों से छीनते हंसी अश्क क्यों दिए, गुनाह हमने क्या किया, सजा मिली ये किस लिए।
लबों से छीन के हंसी, हमें ये अश्क क्यों दिए, गुनाह हमने क्या किया, सजा मिली ये किस लिए, अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, वो मंजिलें बदल गई, कहाँ थे हम कहाँ है हम, अजीब जिंदगी है ये। खुश नसीब हम, हमें बड़ा गुरूर था, वो एक नए गदार था, वो झूठा एक सुरूर था, बड़े हैं खुश नसीब हम, हमें बड़ा गुरूर था, वो इग्न ये गजार था, वो झूठा एक जरूर था, अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, वो मंजिलें बदल गई, कहाँ थे हम कहाँ है हम, अजीब जिंदगी है ये, कभी खुशी कभी है गम, अजीब जिंदगी है ये। पुलिस? शंकर कहाँ? शंकर भैया तो घर पे नहीं है। क्यों भैया ने किया क्या? क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? अरे तुम नहीं जानते, पुलिस मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आन पहुँची है। क्या? हाँ देखो, मुझे जैसे भी हो ना 5,000 रुपया और जीप ला कर दो। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, जीप कहाँ से लाऊंगा, और तुम तो जानते हो मेरे पास कोई रुपया नहीं है। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं, दोस्ती निभाओ और जाकर जीप और रुपया जल्दी से लेकर आओ। जो कुछ था सब दे चुका हूं, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवल तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो शंकर करना नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई को बर्बादी से बचाने की कीमत और अंजलि का नाटक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। शंकर, जिस घर को आबाद करने के लिए मैंने अपना सब कुछ मिटा दिया, उसे मैं तुम्हें यूं बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। अरे चाल चाल, ऐसी गीदड़ भापकिया शंकर ने बहुत सुनी। शंकर, शंकर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठ जाओ। मैं आज बहुत बड़ी उलझन में हूं और उसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकती हो। कहिए। कहना तुम्हें है। क्या? यही कि तुम्हारे आंचल में छुपे हुए दाग का जिम्मेदार कौन है? अशोक जी, क्या हो गया है आपको, आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहक तो पहले किया था, अब संभालना चाहता हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? आपकी दी हुई कसम को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ?
उस कसम के बंधन को मैं तोड़ देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे का बाप कौन है। नहीं, ये राज मैं आपको किसी कीमत पे नहीं बता सकती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी नहीं बताऊंगी। इसलिए कि तुम डरती हो कि कहीं मैं तुम्हें ठुकरा ना दूं। जिसे कदम कदम पर तकदीर खुद ही ठुकराती हो, भला उसे आप क्या ठुकराएंगे? तो फिर डरती क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? बोलो, जवाब दो। अशोक भैया, ये क्या बताएगी, मैं बताता हूं। ये भैया, मैं आपको अंजलि के बारे में, मैं पुलिस जानते हो कि सोनिया नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ हट जा सोनिया, छोड़ दे से, छोड़ दे। आज मेरे रास्ते से हट जा सोनिया, मैं कहता हूँ हट जा सोनिया। देख देख, मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, रुक जा भैया, वरना बहन के हाथ, एक बहन के हाथ अपने भाई के खून से रंग जाएंगे। देख, रुक जा भैया। भैया खोल दीजिए उसे। पुलिस आ गई है, भाग यहां से, भाग यार। ठहरिए, कहां भाग रहे हैं आप? हवलदार हथकड़ी, बड़ी खूबसूरत मुझे लगाई है आपने। इंस्पेक्टर साहब, भाग कर कहां जाऊंगा? और फिर पुलिस, पुलिस से भाग कर आज तक कौन गया है? लेकिन जो कुछ मैं कहने आया हूं वो तो कह लेने दीजिए।
फिर तो आपके साथ जाना ही है। शंकर, अशोक भैया, शायद आप नहीं जानते कि मैंने अपनी जमीर को बेचकर अपने मुल्क से गद्दारी की, बाप की आंखें ले ली, यहां तक कि मैंने अपनी बहन की ओढ़नी तक की भी परवाह नहीं की। मैंने जलील से जलील काम किए, मगर जब मैंने अपने यार से यार मारी की तो ऊपर वाला भी नाराज हो गया और मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि जिससे बढ़कर किसी भी कानून के पास इतनी बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। केवल एक जलील दोस्त तुमसे आखिरी भीख मांगता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने हवस के पागलपन में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अंजलि, अंजलि बहन, केवल ने कोई शादी नहीं की। मैंने बदले के पागलपन में उसे लंदन में धोखे से शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। केवल बख्तर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सका। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी के वक्त अखबारों में झूठी तस्वीर छपाकर मैंने तुम्हारे और केवल के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी। केवल, कह देना कि तूने मुझे माफ किया, कह देना मेरे यार कि तूने मुझे माफ किया। मेरे दोस्त, लौटे जरूर, लेकिन बहुत देर से। मिस्टर शंकर, चलिए। तुम जैसी बहन और बेटी भगवान घर घर में पैदा करे, मुझ जैसा जलील भाई भगवान किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना करे। अगर यही बात थी तो तुम लोगों ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। लाओ तुम्हारे हाथ। मां, रुक जाओ, जरा भी आगे मत बढ़ना। मेरा भी कोई हक है, केवल लाडला होगा तो तुम्हारा। अशोक, माँ, क्या तुम इसे यतीम समझती हो? जी हुई अपने लाडले के हाथ में इसका हाथ देना चाहती हो? माँ, इसके हाथ में भी मेहंदी लगेगी, इसकी डोली भी सज कर उठेगी जैसे हाथ बुलंद टूटती है। आखिर बड़ा भी जिंदा।